کاجل بن کر یہ آپ ہی کی فرمائش ہے پھر میں اور ایک دو چیزیں چھپتا ہوں جن آنکھوں میں کاجل بن کر تیری کالی رات ان آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ ہوگا چاند ہے ہم تو ہیں پردیس میں دیس میں نکلا ہوگا چاند ہم تو ہیں پردیس छत पर इतना अपनी रात की छत पर इतना तन्हा होगा चांद है हम तो है परदेस में देस में निकला चांद बिना हर दिन यूं बीता जैसे युग बीते चांद बिना हर दिन यूं बीता जैसे युग बीते हाल में होगा मेरे बिना किस हाल में होगा कैसा होगा चांद है हम तो है परदेस में देश में निकला تو ہے پردیس میں
رات نے ایسا پیچ لگایا ٹوٹی ہاتھ سے دو آنگن والے نیو میں جا کر چاندی ہے کوئی سونا نہیں ہے اور میرا دل ہے کوئی کھلونا نہیں ہے میں قاتل کی بستی میں کیوں گھر بناؤں مجھے اپنی کشتی ڈبونا نہیں ہے کہا قبر نے ایک نازک بدن سے کہ میرے پاس تکیہ ہے بچھونا نہیں ہے اور یہ سچائی ہے زندگی کی کیا کرو مجھ کو قتل کرے ڈالو مگر سوچو مجھ کو قتل کر ڈالو شوق سے مگر سوچو میرے باپ میرے باپ میرے باپ تم جس پر بجلیاں کی رانگی میرے باپ تم کس پر ارے بجلیاں کی رانگی राजीव भैया की पत्नी वाह भाभी जी को प्रणाम
बहुत सुंदर है बात। पर मेरी आकर थोड़ी देर थोड़ी देर भैया भैया थोड़ी देर लेकिन जानते हैं थोड़ी देर के बाद क्या होगा। थोड़ी देर रो लोगे थोड़ी देर रो लोगे फिर दूसरा बताओगे। थोड़ी देर रोगे और भूल जाओगे। घट में हर कली की
खुशबू मन चली थी नशों को दी हवाए खुशबू मन चली आया अब के मौसम कैसा कुमार बनके आया अब के मौसम कैसा कुमार बनके मेरे दिल में यू बहार बनके मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके आए हो मेरे जिंदगी तुम बहार बनके वाह वाह इश्क और प्यार का मजा लीजिए ओ ये एक्चुअली ये मैं गा रहा हूँ हालांकि मैं पहली बार गा रहा हूँ ये फरमाइश आई हुई तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इश्क और प्यार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए और प्यार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा
मस्तियां है बेखुदी है चाहतों का जाम है ना तो कोई बेबसी है ना तो कोई काम है ओ मस्तियां है बेखुदी है चाहतों का जाम है ना तो कोई बेबसी है ना तो कोई काम है दिन है दिन है इतवार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए इश्क और प्यार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में अभी मोहब्बत नई नई खामोश लब है झुकी है पलके दिलों में उल्फत नई नई है खामोश लब है झुकी है पलके दिलों में उल्फत नई नई अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में अभी मोहब्बत नई नई रखते हैं नरम अपना जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई
ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں ہے الفت نہیں بموں کی برسات ہو رہی ہے بموں کی برسات ہو رہی ہے بموں کی برسات ہو رہی ہے گرے سارے نیسا پرانے جاباز سو رہے ہیں غلام دنیا की लिखी हुई गजल है और कंपोजिशन मेरी अपनी है शोर इस दर्द मचाने की जरूरत क्या है शोर इस दर्द मचाने की जरूरत क्या है घर के झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है شور اس دل جمع چانے کی ضرورت کیا ہے شور اس دل جمع چانے کی ضرورت کیا ہے دھواں
कहते हैं कि शेर और सुर दोनों का काम है, तो शेर है कि सर्द सांसों से भी उठता है मोहब्बत में धुआं, सर्द सांसों से भी उठता है मोहब्बत में धुआं, आग फिर दिल में लगाने की जरूरत क्या है, आग फिर दिल में लगाने की जरूरत क्या है, शोर इस दल जा मचाने की जरूरत क्या है। शेर पे आप लोगों के तवज्जो चाहूंगा। जब मिटा सकते नहीं दिल पे मेरा नाम कभी, मेरे साथ ढोलक पे मेरे बड़े भाई विशुनदेव दा है, तबले पे रविश भाई हैं, ऑक्टोपैड पे सचिन भाई हैं और कीबोर्ड पे मेरे राजीव भाई हैं। तो एक बार जोरदार तालियां मेरे साजिंदों के लिए आप लोगों की तरफ से चाहूंगा मैं। शेर है कि जब मिटा सकते नहीं मेरा नाम दिल से कभी, जब मिटा सकते नहीं दिल पे मेरा नाम कभी, लिख के कागज पे मिटाने की जरूरत क्या है, लिख के कागज पे मिटाने की जरूरत क्या है, घर के झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है, शोर इस दर जा मचाने की जरूरत क्या है, शोर इस दर जा मचाने की जरूरत क्या है। मैं जानता हूं कि यहां जितने लोग गजल सुनने वाले हैं उतने ही लोग, क्योंकि मैं जब जमशेदपुर आ रहा था तो मुझे कम से कम 50 ऐसे भी कॉल आए जो कि जिन लोगों ने कहा कि सर हम संगीत सीखते हैं, हम गाना गाते हैं और आपको सुनने आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए बता दूं कि ये इंडियन क्लासिकल वाइज ये राग भीम प्लसी है और राग भीम प्लसी में ये गजल मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है। तो भीम प्लसी के चंद सुर लगा रहा हूँ। प ग म प नि द प द म प ग स र नि
شعر ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں محبت میں وفا کی قیمت ہم سمجھتے ہیں محبت میں وفا کی قیمت ہم کو احساس دلانے کی ضرورت کیا ہے ہم کو احساس دلانے کی ضرورت کیا ہے گھر کے جھگڑے میں زمانے کی ضرورت کیا ہے شور اس درج مچانے کی ضرورت کیا ہے شور اس درج مچانے کی ضرورت کیا ہے شعر یہ آپ لوگوں کے لیے ہے مل گئے ان کی نگاہوں میں وفا کے آنسو آپ لوگ سب میری غزل سننے آئے ہیں اور سب سے پہلے تو اس کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں اور امیت جی مبارکباد کے مستحق ہیں ان کو میں بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں اور یہ شعر آپ لوگوں کے لیے ہے کہ مجھے تو مل گئے آپ لوگوں کی نگاہوں میں سہانے موسم مل گئے ان کی نگاہوں میں سہانے موسم اب نئی رت کو بلانے کی ضرورت کیا ہے اب نئی رت کو بلانے کی ضرورت کیا ہے شور اس درج مچانے کی ضرورت کیا ہے گھر کے جھگڑے میں زمانے کی ضرورت کیا ہے شور اس درج مچانے کی ضرورت کیا ہے شور اس درج مچانے کی ضرورت کیا ہے ضرورت کیا ہے ضرورت کیا ہے